क्या कर रहा है किधर तू? हैं? कुछ नहीं कर रहा? तो देख लो भाई ये क्या कर रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। आपको पता लग रहा होगा कि मेरी आवाज़ भारी भारी है और मेरी शक्ल सारी ऐसे सूजी सी उतरी सी हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो। तो गाइस मेरे को 2 दिन से चढ़ा हुआ है बुखार और तबीयत बहुत ढीली हो रही है और ठंडा मौसम भी हो रहा है, बुखार चढ़ रहा है, ठंड लग रही है, सब कुछ हो रहा है। तो भाई दवाई वगैरह ले आया है लेकिन अब तक फर्क नहीं पड़ा है। अब डॉक्टर चेंज कराया है, डॉक्टर दूसरी दवाई लिया है, तो अब देखते हैं कुछ सुबह तक थोड़ा रिस्पॉन्स मिलेगा, अच्छा मिलेगा। क्योंकि भाई हर कोई सोचता है पहले थोड़े सस्ते वाले से ले फिर ऊपर महंगे वाले से ले, तो जब देना होता है जो डॉक्टर को वो देना ही होता है। मेरा गला भी देख लो कैसे बैठा हुआ है, जुकाम खांसी बुखार, रात को ठंड लगना बहुत हो रहा है। तो भाई ये ब्लॉग मैं काफी कर रहा हूँ लेट स्टार्ट। तो ये महक क्या बनाया तूने आज? समझ ही नहीं आ रहा था। तो क्या बनाया समझ नहीं आ रहा? तो ऐसे ही बना दिया खाली कुकर है? छोले चावल। तो यार मेरी आवाज इतनी भारी हो रही है, बोला ही नहीं जा रहा क्योंकि शक्ल देखो मेरी। भाई ईमानदारी से चाय बता रहा हूँ, 2 दिन से नहीं नहाया, ठंड लग रही थी बहुत बहुत ठंड लग रही थी, 2 दिन से नहाया ही नहीं, बस मुंह हाथ धो के काम चला रहा हूँ और कपड़े चेंज हो गए हैं। तो चलो यार कोई बात नहीं, देखो अपना गला भी कैसे बैठा हुआ है। देखा ये देखो कौन आ रहा है अभी देखना, मेरा सर दबा रही थी ये, कल मेरा सर दबाया है। सॉरी है भाई, कल आई थी मेरा सर दबा रही थी, पापा आपकी तबीयत खराब हो रही है, मैंने सर दबा लिया, मैंने अच्छा दबा तो मेरा सर दबा तो, और ये निकम्मे तो दबाते नहीं है। आपको पता हमने नया घर पे कलर बनाया है, होममेड पिंक होली कलर। टाइम हो गया भाई, टाइम 9 बज गए। ये कैसे बनाया कलर? आटे है? आटे से होममेड कलर, आटे से। यस। ये कैसा कलर है? हैं? लगा के दिखा अपने गाल पे लगा। मेकअप कर रहे है तू? इनकी होली ना अभी से आ गई है, ये बहुत परेशान करते हैं लोगों को पनिया मार मार के। पनिया तो मार ही नहीं रहे अभी हम। हाँ। ये तुम ये होली क्यों खेल रहे हो? हैं? ये होली क्यों खेल रहे हो? हैं? क्या कर रहे हो ये? तो ये देखो भाई फाइनली, ये देखो ये देखो ये देखो, ये होममेड कलर है ना तुम्हारी? भाई ये होममेड कलर देखो कैसे क्या बनाया, कैसे ये तो बता। आटे से है? आटे से। आटे में ये क्या डाला है फिर तूने? आटे में कौन सा कलर डाला है तूने? गुलाल? हाँ क्या डाला है फिर? वाटर कलर। वाटर कलर कौन सा होता है? झूठ बोल रहा है ये नलायक, किसने कलर डाला है? गुलाल। गुलाल में गुलाल मिक्स करके उसमें थोड़ा सा पानी डाल के भून दिया, जब फिर वो थोड़ा खुदरा खुदरा सा नहीं आ जाता, फिर उसको छान लिया उसके अंदर से। चलो मुंह धो और तुम्हारी लगी है रोटी। मेरे को तो भाई बोला ही नहीं जा रहा, 2 दिन बाद थोड़ा सा दवाई खाई, थोड़ा रिलैक्स मिला, नहीं तो बात बिल्कुल ही नहीं निकल रही थी। तो भाई आज मौसम बहुत जबरदस्त था, बारिश सुबह हुई थी लेकिन अब हो ही नहीं रही। और तुम्हारा भाई क्या बताऊं, हरियाणा में तो ओलो पड़े हैं पूरे ओले। ये देखो अब ये देख रहे हो सामने मौसम, देखो ये देखो ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है? ये मिर्ची खाएगा, खा के दिखाइए जरा, हरी मिर्ची खाएगा पता लग जाएगा, धुएं निकलेंगे जब। खागा हल्की दिखा के दिखा रहा है, मोटी वाली नहीं है, जो मोटी वाली होती है वो कम तिक्की होती है। मैंने खाई थी अभी परसों ये मिर्ची खाने के साथ। कितनी मोटी है तेरी मम्मी से मोटी कम है वो मिर्ची? रोटी खाते हो ना टीवी नहीं चलेगा, दे दो इधर, तुम रोटी खाओ प्लीज, बाद में देखेंगे। मैं कुछ नहीं, साउथ इंडियन मूवी देख लूंगा मैं आराम से, तुम पहले रोटी खाओ। इसकी भी तबीयत खराब हो रही है 2 दिन से 3 दिन से, इसकी कभी दांत में दर्द हो रहा, आज इसके दांत में दर्द हो रहा था बहुत तेज, है बहुत दर्द था। तो भाई दवाई पड़ी हुई थी ना तो उसी से इसने खाया, अब फर्क है, फर्क है, अब फर्क है। कुछ भी खा रही हूँ ना दर्द उठ जाता, पानी भी पीती हूँ दर्द उठ जाता एकदम से। तो चलो भाई कोई बात नहीं, सही हो जाएंगे भाई, जब एक बीमारी लगती है ना तो लगी जाती है 2 दिन बंदों को इकट्ठी। तो चलो भाई आधी बची है सिर्फ। क्या बची है? आधी बची है। मैं आप आ रहा हूँ तो कुछ खा भी नहीं रहे। अच्छा देख लो आधी बची है। क्या बची है? पूरी है, एक वो चौड़ा है ऐसे। ये देखो मेरी कितनी आधी बची है।
प्याज जो होती है ना मैंने छोड़ दिया, खाना तो खा दे। कौन चला गया? तो भाई ये देखो यस गया था सो आते ही, और चलो माता चलो ऊपर आजा बंद कर दे, चल आजा आजा रोटी खा ले, सो रहा था ये। मैं तो समझा ये क्या हुआ अपने दोस्त के बाद क्या हुआ था सुबह का, वो तो अब जाके देखा नीचे क्योंकि मैं नीचे ही उतर ही नहीं रहा, ऊपर लेटा ही हुआ हूँ आराम से, और ठंडी हवा चल रही है बहुत तेज ठंडी हवा। तो मैं आ गया, रजत भी आ गया और मम्मी भी आ रही है ऊपर, दोनों आ रहे हैं। तो बनाओ जगह बना लो, उधर होकर बैठो दोनों। तो भाई मैं लेटूंगा नीचे, ये अपना ऊपर बना आराम से खाएंगे रोटी। हवा देखो कितनी तेज चल रही है बाहर भाई, हवा देखो तो लिए देखो, वो झंडा देखो कैसे हिल रहा है। ठीक है नमक क्या कम डाला है? नहीं मैंने चेक नहीं। हवा देखो कितनी तेज चल रही है क्योंकि करनाल में और हरियाणा में ओले पड़े हैं, बहुत तेज ओले पड़े हैं, बहुत जबरदस्त ओले पड़े हैं। दिल्ली में नहीं पड़े, दिल्ली में बारिश आई है बस सुबह ही, और यहाँ तो भाई हवा चल रही है बहुत ठंडी। गला देखो कैसे बैठा हुआ मेरा। तो चलो भाई कोई बात नहीं, अब रोटी बन रही है, रोटी भी खाते हैं, बहुत भूख लग रही है क्योंकि सुबह नाश्ता करा था, दोपहर को कुछ नहीं खाया था मैंने। डॉक्टर के पास भाई मैं यहाँ से 3:15 बजे गया, 3:15 बजे, और आया मैं 5:30-6 बजे घर आया हूँ भाई, इतनी लेट नंबर आया था मेरा। चलो यार कोई बात नहीं, दवाई वगैरह ले आए, थोड़ा खाएंगे, रेस्ट मिल रहा है, थोड़ा महसूस हो रहा है। तो कह रही थी अभी तो शुक्रवार का, शुक्रवार शुक्रवार महाशिवरात्रि के चक्कर में बाजार लगेगा नहीं। हाँ और मैं शुक्रवार गई नहीं, अचार नहीं आएगा। क्यों भाई? मैं बताता हूँ, क्योंकि शुक्रवार रात से मेरी तबीयत खराब है, शुक्रवार भी मैं काम पे नहीं गया और आज शनिवार भी नहीं गया, और अगला शुक्रवार जो है महाशिवरात्रि की वजह से बाजार को मना कर दिया गया है कि बाजार नहीं लगेगा, तो अचार लेना था इसने। अब देखो अचार कहाँ से लेगी कहाँ से नहीं लेगी। तो बैठा होगा तो ले लियो भाई। फाइनली रोटी वगैरह खा ली है और बच्चे गए हुए हैं नीचे, और अब जाके थोड़ी सी रिलैक्स मिल रहा है आवाज़ को। क्यों? क्योंकि भाई टाइम हो गया अब 11, और मैं अपनी दूसरी दवाई खाऊंगा तो थोड़ा फर्क मिलेगा। सवेरे जो अपने चेहरे पे सूजन सूजन लग रही थी ना, वो भी थोड़ी नॉर्मल हो गई है। चलो बच्चों को बुलाता हूँ और सोने का उनका कराऊँ सोने की तैयारी। चलो वो पढ़ रहा है नीचे और मैं खाता हूँ अपनी दवाई खाऊं यार। ये देखो ये आ गया नीचे से, इसको बुला के लाया हूँ। और एक अभी नीचे पढ़ रहा है, रीडिंग कर रहा है। हाँ रीडिंग कर रहा है। और भाई हमने खा ली अपनी दवाई और पी भी ली वाली दवाई। तो चलो भाई दवाई खा ली, अब थोड़ा शरीर थोड़ा अब रिलैक्स लग रहा है कि हाँ एक ही खुराक खाई है ना, अब दूसरी खाई है, थोड़ा रिलैक्स लग रहा है। तो चलो भाई, ये तो कल रात को भी बहुत ठंड लग रही थी यार, ऐसा लग रहा था कि कब कभी छूट रही है, और शक्ल ऐसी हो गई है 2 दिन के अंदर अंदर, ऐसा लग रहा है जैसे कि पता नहीं कितना बीमार हूँ। तो चलो भैया आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, छोटी है सुंदर टिकाऊ वाली। ये आ गया आ गया आ गया ऊपर ही आ गया, ये देखो आ गया ना। तो मिलते हैं हम आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय।